हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर सौरभ, आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन का। आज हम हेल्थ से रिलेटेड बातें करेंगे क्योंकि अभी फिटनेस से रिलेटेड बातें कर रहे थे, आज का टॉपिक है हेल्थ से। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन ऐसी बीमारी हो गई है कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। हर घर में किसी न किसी को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। अब कारण क्या है इसको हम देखेंगे। वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। कॉन्स्टिपेशन का कॉज क्या है आज हम जानेंगे। कॉन्स्टिपेशन का कॉज क्या है, तो मेनली ज़्यादातर नॉर्मल में देखा जाता है कि डाइट्री फाइबर जो रहते हैं, हमारा इंटेक बहुत कम रहता है। आजकल क्या होता है, डेली रूटीन में हम डाइट्री फाइबर्स को ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। डाइट्री फाइबर्स क्या होते हैं, जो हमारे फाइबर्स रहते हैं वो जो स्टूल रहते हैं उसको बोलस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और हेल्दी बोलस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हमें स्टूल करने में प्रॉब्लम नहीं होती। तो हम डाइट में हेल्दी फाइबर्स का इंटेक करना ज़रूरी है, जो हम लोग इंटेक नहीं करते हैं। अगला कॉजेशन है फास्ट फूड। फास्ट फूड आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं लोग, जिसके कारण क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है, क्योंकि स्पाइसी रहता है और SCL को इरिटेट करते हैं, इन कारणों से वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है। अगला कॉजेशन है इंटेस्टाइनल, जो मूवमेंट रहती है वो क्या हो जाती है, धीमे हो जाती है, इस कारण से भी कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद अगला है कंटिन्यू यूजिंग अप लेक्जेटिव, जो लेक्जेटिव ड्रग्स होते हैं उसको हम कंटिन्यू यूज़ करते हैं विदाउट एनी कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन ना होने के बाद भी उनके माइंड में ऐसा चलता है कि हमें कॉन्स्टिपेशन है, उसके कारण क्या होता है, लेक्जेटिव यूज़ करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की मूवमेंट रहती है वो क्या हो जाती है, धीरे हो जाती है, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है। पोजिशन है जो एलोपैथी ड्रग्स लेते हैं कंटिन्यू, मंथली, वीकली और बहुत ही लंबे समय से ड्रग लेते हैं, उनके कारण भी कॉन्स्टिपेशन होता है, जैसे कि BP की गोली, ये सब लेने से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन भी डेवलप हो सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं सिम्टम। तो सिम्टम ज़्यादातर देखने को मिलते हैं डिजीनेस, ड्राउजीनेस और बहुत ही ज़्यादा चक्कर सा आता है और वोमिटिंग जैसा भी सेंसेशन महसूस होता है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, स्टमक पेन भी होता है कभी कभार। अगला सिम्टम है इरिटेशन, बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन लगता है, किसी से भी चिड़चिड़ापन लगता है बात करने में, ऐसा सिम्टम इसमें मिलते हैं। और कभी कभी ये जो कॉन्स्टिपेशन है ये पाइल्स का रूप भी ले लेती है, अगर लंबे समय तक आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है तो। तो हम आगे बढ़ते हैं होम्योपैथी मेडिसिन की ओर, कि कौन से होम्योपैथी मेडिसिन ले जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन से राहत मिले, रिलीफ मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली मेडिसिन है एल्यूमिना। एल्यूमिना बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है कॉन्स्टिपेशन के लिए। इसमें जो सिम्टम है इसमें क्या रहते हैं कि जो सॉफ्ट स्टूल रहते हैं उसमें भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेनिंग लगेगी स्टूल पास आउट करने में। साथ ही साथ इसमें ये भी है कि अगर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट है बहुत ही स्लो हो गया, तो यहाँ पे आप एलुमिना मेडिसिन देके आप कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हैं। इसके बाद अगली मेडिसिन देख लेते हैं ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस का जो सिम्टम है इसमें जो स्टूल रहेंगे बहुत ही हार्ड रहेंगे और म्यूकस से घिरे हुए रहेंगे, इसमें जो सिम्टम है। साथ ही साथ इसमें बहुत ही ज़्यादा पेन होगा जब स्ट्रेनिंग करेंगे स्टूल पास आउट करते टाइम, बहुत ही ज़्यादा स्मार्टिंग पेन, मतलब कि बहुत ही तीव्र पेन होगा, बहुत ही ज़्यादा दर्द देगा, वहाँ पे आप ग्रेफाइटिस ले सकते हैं। इसके बाद अगली मेडिसिन है सल्फर। सल्फर भी बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन के लिए इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, अगर इसका जो पेशेंट रहेगा ज़्यादा एल्कोहलिज्म, मतलब एल्कोहल का यूज़ करता है, साथ ही साथ कोई भी किसी प्रकार की स्पाइसी फूड खाता है और इसका अगर इरप्शन सप्रेस हुआ होगा, तो यहाँ पे आप सल्फर मेडिसिन ले सकते हैं। इसका जो करेक्टर रहता है स्टूल का बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहता है, साथ ही साथ इसमें जो पेनफुल रहता है इस कंडीशन में वो अपना स्टूल को पास आउट नहीं कर पाता, इतना सीवियर पेन होता है। इतना पेन होने के बावजूद भी वो गिव अप करने का सोचता है कि मैं स्टूल पास आउट नहीं करूँगा, इतना सीवियर पेन होता है सल्फर के पेशेंट को। तो अगर आपको ऐसा सिम्टम नज़र आता है तो आप सल्फर मेडिसिन ले सकते हैं। ये मैंने मेडिसिन आपको अभी बताया है, तो इसको आप 200 पावर में यूज़ कर सकते हैं, और मैं जितने भी मेडिसिन आपको बताता हूँ होम्योपैथी से रिलेटेड, आप हमेशा फिजिशियन के अंडर ऑब्जर्वेशन में ही लें, ना कि बिना आप अंडर ऑब्जर्वेशन में लें, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन से कभी कभार एग्रावेशन होने के भी चांसेस होते हैं, जिससे आपको फिजिशियन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसलिए जितनी भी मैं मेडिसिन आपको बताता हूँ तो आप होम्योपैथी फिजिशियन के अंडर ऑब्जर्वेशन में ही लें, ना कि आप खुद से लें, ठीक है, क्योंकि मुझे आपकी हेल्थ की फिक्र है, इसलिए मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी है सबसे पहले आपको पहुँचे, और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।